इम्फाल में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से भिलाई निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर के बाद संपूर्ण भिलाई में शोक की लहर व्याप्त है। 107 बटालियन गोरखा राइफल्स मणिपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे मणिपुर के नोने जिले के तुपुल में रेलवे ट्रैक व स्टेशन निर्माण स्थल पर एक बड़े भूस्खलन के बाद बुधवार से लापता थे। रविवार को उनका शव बरामद कर लिया गया। मणिपुर के नोने जिले अंतर्गत जिरबल रेलवे लाइन और स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बोडो उग्रवादियों की वजह से इस प्रदेश का सबसे रिमोट और संवेदनशील एरिया है यह, इसलिए निर्माण कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी की कंपनी 107 को तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव टीम के कमांडर थे और बीते 3 वर्षों से वहां पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात करीब 12:30 बजे यहां पर भूस्खलन हुआ और उसके बाद से ही कपिल देव पांडे लापता थे। लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। रविवार को कपिल देव पांडे का शव बरामद किया गया। कपिल देव पांडे नेहरू नगर पूर्व भिलाई में रहने वाले थे। वे शहर की वरिष्ठ महिला पत्रकार भावना पांडे के सगे भाई थे। जिस समय यह हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले तक वे भिलाई में अपनी माँ से फोन पर बात कर रहे थे, फिर अचानक खबर आने के साथ ही भिलाई में शोक की लहर छा गई। पांडे जो कि हमारे भिलाई के थे और जिनकी की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगी हुई थी और वहाँ पे वो शहीद हुए। मैं पूर्व सैनिक होने के नाते एक सैनिक परिवार, मेरे पिताजी सेना में रहे, मेरा बेटा वर्तमान में एयरफोर्स में है, मैं सैनिकों की इस शहादत को बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ कि सैनिक जो है अपना घर परिवार सब त्याग कर देश के लिए बलिदान देता है और हमारे देश की सीमाओं को रक्षा करता है। मैं ऐसे सैनिकों को, ऐसे शहादत को नमन करता हूँ और उनके परिवार के लिए मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सहन करने के लिए उनको शक्ति दे और उनका गौरव सदा लोगों की स्मृति में रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। कपिल पांडे जी भिलाई की शान के रूप में आज जहाँ भी उनकी पुण्यात्मा हो उनको बहुत सद्गति प्रदान हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिलहाल पूरे पांडे परिवार सहित पूरे भिलाई में शोक की लहर है क्योंकि देश सहित भिलाई ने भी अपना बेटा खो दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार भी शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।